आई जस्ट से थैंक यू. मैं यही कहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद नवभारत टाइम्स को और चीफ मिनिस्टर को कि उनने मुझे ये अवार्ड दिया. और आई डोंट नो ऑनेस्टली, कभी कभी लगता है कि आई डोंट नो कि मैं इतने सारे अवार्ड्स की हकदार हूँ या नहीं. बट थैंक यू, इट्स ग्रेट फन टू ड्रेस अप एंड गो फॉर एन अवार्ड एंड इट्स हाईली एंजॉयबल. जी बिल्कुल, आई थिंक दैट अखबार जो होते हैं आई थिंक दे आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. वो बहुत बहुत देश को चलाने में कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं. और जैसे मुझे लगता है कि देर आर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ऑफ कोर्स, बट आई थिंक द फैक्ट दैट जिस भाषा में ये पूरा देश चलता है वो हिंदी है एंड नवभारत टाइम्स इज़ डेफिनेटली द लीडर इन दैट. थैंक यू सो मच. बट उसके बारे में अभी बात करने में काफ़ी वक्त है, तो आई थिंक वंस आई एम क्लोजर टू दैट टाइम देन आई विल टॉक अबाउट द फिल्म. देन आई दैट पॉइंट जी हाँ, मेरा जन्मदिन आ रहा है. मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा जन्मदिन आ रहा है. नहीं, ऐसी कोई विशेष इच्छा नहीं है. इस साल हम ज़्यादा मनाएंगे नहीं. और सो आई थिंक इट्स जस्ट गोना बी अ क्वाइट बर्थडे एट होम, व्हिच इज़ माय मोस्ट फेवरेट काइंड, एंड दैट्स ऑल आई विश फॉर. थैंक यू सो मच. लाइक दिस, ओके, थैंक यू. हाँ जी बिल्कुल, अच्छा लगता है जब भी इतना प्यार मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, इनकरेजमेंट मिलती है. बहुत अच्छा लगता है अपने काम में, और अपने ही एनवेलप को पुश करने का और जज्बा बढ़ता है कि और मेहनत करें और अच्छा काम करें. गॉड इज़ बीन वेरी काइंड, अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिले और उन अपॉर्चुनिटीज़ से बहुत सारा प्यार मिला, तो बहुत अच्छा लगता है. It's been a very organic journey since the time Masaan came out in 2015. 4 साल हो गए, बहुत अच्छा लगता है. 4 साल कैसे चले गए पता नहीं चला. बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला, बहुत सारा प्यार मिला, तो बहुत खुशी होती है. कुछ किरदार आपके साथ रह जाते हैं ज़िंदगी भर, तो मसान उनमें से एक फिल्म थी. और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कई बार याद करके, और आज भी जब लोग उसको लेकर प्यार देते हैं बहुत अच्छा लगता है. विकी, पूरी वाज री रिलीज्ड
हाँ जी, इट वॉज वेरी स्पेशल. इनफैक्ट मुझे भी पता नहीं था, मुझे भी ऐसे ही खबर मिली थी अपने RSVP से जिन्होंने इनिशिएटिव लिया. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडे थ्रू दिस इवेंट बाय नवभारत टाइम्स आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू थैंक आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फडणवीस जी पर्सनली ऑन स्टेज फॉर मेकिंग इट हैपन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. एंड इट वॉज एंड इट्स नाइस हाउ टू नो दैट पीपल आर स्टिल इंटरेस्टेड टू वॉच दैट फिल्म. And the shows went packed, even if it was just for one day. But it was a nice feeling that we could kind of contribute to giving an ode to Kargil Vijay Divas and to all those martyrs and to all those soldiers who fought for us. काफी दिनों से चर्चा चल रही है कि राकेश शर्मा की बात भी काम करने वाले हैं जो शाहरुख नहीं कर रहे हैं. उसका स्टेटस कुछ है, आपका नाम बार-बार लिया जा रहा है कि आप वो बात भी करने वाले हैं. नहीं सर, ये मैं ये फिल्म से तो जुड़ा हुआ नहीं हूँ. हाँ जी, पर जब आप कहानियाँ चूज करते हो बतौर एक्टर, आप ये नहीं देखते कि यू नो कि आपको एक ही तरीके का रोल करना है या पेट्रियटिज्म है या नहीं है. आप अच्छी कहानी सुनते हो, एक कहानी सुनते हो और आप अगर आपको वो दिल को छू जाती है तो आप उसको आपको वो करने की इच्छा होती है. एंड इट वॉज ऑलवेज माई ड्रीम टू वर्क विद सुजीत सरकार. And I finally got an opportunity to work with him, and I'm glad that it's a film on Shaheed Udham Singh, which is you know, which is a great honor for me also, to kind of, but a big responsibility also at the same time. So, कर रहे हैं अभी अक्टूबर से शूट फिर से रिज्यूम होगी, and I'm very excited for that process to start. I'm very happy with the way it's shaping up for Sunny as well. Last year Gold आई थी जिनमें उनको काफ़ी प्यार मिला और काफ़ी तारीफ मिली क्रिटिक्स से भी. एंड इस साल रॉनी स्क्रूवाला जी की फिल्म आ रही है भंगड़ा पाले, जिसमें वो लीड है. फिर अभी वो इलाहाबाद में इस वक्त शूट कर रहे हैं फॉर इज नेक्स्ट फिल्म कॉल्ड हुड़दंग. फिर दिनेश विजन जी के साथ एक फिल्म है. सो ही इज ऑल्सो गॉट एन इंटरेस्टिंग लाइनअप. दोनों भाइयों पे ऊपर वाला मेहरबान हो रहा है तो अच्छा लग रहा है. बट वही मेहनत करते रहेंगे एंड वी विल रियली होप फॉर द लव फ्रॉम द ऑडियंस टू. हाँ जी, सैम मानेकशॉ जी की बायोपिक है एंड दैट्स अगेन मतलब मैंने सिर्फ किस्से सुने थे अपने मम्मी डैडी से, बिकॉज मेरे मॉम डैड पंजाब से हैं. तो उन्होंने 71 के वक्त जब वॉर हुई थी तो उन्होंने वो वॉर को बहुत क्लोजली देखा है. तो हम तब इंदिरा गांधी जी की और सैम मानेकशॉ जी की किस्से सुनते थे कि ये रेडियो पे बातें होती थी एंड ये उनके स्पीचेस होते थे एंड दैट यूज़ टू गिव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू द आम जनता. तो पर अब जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, कहानी जानने का मौका मिला, तो आई वाज रियली ब्लोन अवे कि ही वाज ट्रूली ट्रूली अ लेजेंड दैट दिस कंट्री हैड. एंड इट्स एन ऑनर ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर फॉर मी टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले द पार्ट ऑफ सैम मानेकशॉ. So I'm very excited for that. नहीं, ऑफ कोर्स. सी देखिए, डिजिटल इज अ प्लेटफॉर्म विच इज़ बूमिंग एंड वी ऑल आर एन ऑडियंस टू इट. तो ऑफ कोर्स अगर कहानी अच्छी होगी, एक कुछ किरदार इंटरेस्टिंग होगा और आपको वो सेटअप अच्छा लगेगा, डायरेक्टर एवरीथिंग, इफ इट वर्क्स इन एवरी पॉसिबल वे, देन यू डेफिनेटली वांट टू डू इट बिकॉज देयर इज अ ग्रेट ऑडियंस टू दैट. बट आल्सो यू हैव टू लुक एट द टाइमलाइंस, इफ इट्स अलाउइंग इन द टाइमलाइन और नॉट. पहला प्यार तो हमेशा मेरी पिक्चरें थी, क्योंकि बड़े पर्दे को देख के सपना आया था कि मैं एक्टर बनूँ. तो वो तो कभी कम नहीं होगा, बट इट्स अ ग्रेट एडिशन टू द मेन्यू कार्ड एज एन ऑडियंस एंड ऑल्सो एज एन एक्टर. तो अगर कभी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और कुछ एक्साइटिंग हुआ तो जरूर. ये झूठ है, ये सरासर झूठ है. कई बार मैं अवार्ड शो पे आता हूँ, बाइट देके चला जाता हूँ, अवार्ड भी नहीं ले पाता. अभी फिलहाल तो फोकस उधम सिंह पर है. सैम मानेकशॉ की शूटिंग हम 2021 में ही शुरू कर पाएंगे, बट जितना मेरे से हो पाएगा कोशिश की एज क्लोज टू सैम मानेकशॉ मैं फिजिकली लग पाऊँ एंड इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर एंड एवरीथिंग. तो वो तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, बट अभी तो फोकस उधम सिंह पर है. सर आप पूछिए.
है ये कौन सा लास्ट हुआ जो लास्ट के बाद एक और होता है सर आप बन जाओ डायरेक्टर आप बन जाओ प्रोड्यूसर और मुझे कास्ट कर लो मैं अभी साइन कर लेता हूँ फिल्म मैं अभी बात करता हूँ तापसी से हाँ जी हाँ जी नहीं मैं बिल्कुल करना चाहूँगा जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी मैं बिल्कुल करना चाहूँगा ना आप मुझे देखेंगे भी हर फिल्म में एक रोमांटिक एंगल है भी ज़रूर बट वो कितनी मात्रा में आएगा और कितनी इंटेंसिटी में आएगा वो मैं नहीं बता सकता बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू इट देखिए मेरा मानना है कि ओपिनियन रखने से डिस्कशन करने से एक डिबेट होने से एक सोसाइटी का भला ही होता है एंड इट्स ग्रेट दैट वी आर गेटिंग टू एक्सप्रेस इट एंड एक्सप्रेस करना अच्छी बात भी है और ज़रूरी बात भी है तो बहुत अच्छी बात है एंड द मेन थिंग इज़ दैट आप किसी भी दल में हो एज लॉन्ग एज हमारा मोटिव देश का विकास हो वो हमेशा एक अच्छी चीज़ होती है सो आई एम ग्लैड दैट वी आर इन अ जंक्चर एट अ जंक्चर वेयर डिस्कशंस आर हैपनिंग डिबेट्स आर हैपनिंग एंड ओपिनियंस रखने का मौका मिल रहा है और ओपिनियंस को डिस्कस करने का मौका मिल रहा है सो इट्स ऑलवेज वेरी नाइस थैंक यू हाँ जी हाँ जी ये चीज का माहौल लगता है देखिए मुझे इट्स अ वेरी बिग फील्ड इट्स अ वेरी बिग वर्ड कि आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते यू नो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने नहीं देखा तो किसी और ने नहीं देखा या मैंने नहीं मेरे पे बीती नहीं है तो किसी और पे नहीं बीती बहुत बड़ा देश है और इंटीरियर्स में क्या क्या होता है मुझे भी नहीं पता मैं अपने दुनिया में क्या होता है वो मैं देखता हूँ तो सो इट्स ऑल्सो नॉट फेयर कि हम किसी से पूछे कि आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है इट्स अ बिग टर्म जो आप फ्रिवलेसली नहीं दे सकते यू नो कि लगता है या नहीं लगता है बट हम अपने जो पर्सनल लेवल पर जो भी जिम्मेदारी निभा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस इन टर्म्स ऑफ यूनिटी इन टर्म्स ऑफ रियली विशिंग द बेस्ट फॉर द कंट्री एंड द सोसाइटी अराउंड यू मुझे लगता है मैं देश में बदलाव तभी ला सकता हूँ जब अपने आसपास में वो बदलाव लेकर आ पाऊँ जो मैं देखना चाहता हूँ तो अगर हम वहाँ फोकस करें एंड रियली उस पर काम करें देन आई थिंक वी आर हेडिंग इन अ वेरी गुड डायरेक्शन थैंक यू सर